झारखंड बेरोजगार भत्ता का नया नाम मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक इस योजना को नहीं भरा है तो इसे भर लें। इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलिटेक्निक या सरकारी कोर्सेज जो NSQF के द्वारा सर्टिफिकेट दी जाती है वो होना आवश्यक है। आवेदक को किसी भी तरह से स्वरोजगार या रोजगार से जुड़ा ना हो, वो पूरी तरह से बेरोजगार होना चाहिए। झारखंड का नियोजनालय में निबंधन होना आवश्यक है। पत्राचार का बारे में बात करें तो डोमिसाइल झारखंड का ही होना चाहिए। कारावास ना हो 48 घंटे से ज़्यादा का और किसी भी अपराध मुक्त हो। इस योजना का लाभ लेने के लिए दोहरीकरण ना हो। स्वयं का बैंक खाता और आधार कार्ड हो। नियोजनालय में निबंधन के समय 18 से 35 वर्ष की कम की आयु होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति और जाति को आयु उम्र सीमा में छूट मिलेगी। आवेदन की प्रक्रिया के लिए सभी आवेदन पत्रों को एक साथ संलयन करके देना होगा। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, जिस तरह चतरा के वेबसाइट इस पर दिए हुए हैं उस पर डाउनलोड करके इसके फॉर्मेट को आप जमा करें अपने नियोजनालय में। आगे चल के देखते हैं कि फॉर्मेट किस तरह का है। फॉर्मेट जो दिया गया मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का, उसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, विशेष कोटि, नियोजनालय का खाता नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो देना है, स्थायी पता देना है, वर्तमान पता देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ में बैंक का पास फोटोकॉपी भी आपको देना होगा। सेक्शन योग्यता में आपको मैट्रिक, इंटर, डिप्लोमा, ITI या स्किल का कोई भी सर्टिफिकेट हो उसे भी आपको संलग्न करना होगा। झारखंड का निवासी होने के साथ साथ आप लोगों को इस शपथ पत्र पर साइन करके उस पर जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।